बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यम्मी, डिलीशियस और चॉकलेटी कपकेक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े के बनके तैयार होते हैं, विदाउट ओवन बनाएंगे, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो आइए फिर जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल में ले लेंगे हम एक कप पिसी हुई चीनी, और इसमें ऐड करेंगे हम दो अंडे, हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे, और साथ ही ऐड कर देंगे हम हाफ कप दही। ठीक है, आपने बस ख्याल रखना है कि ये सब चीज़ें रूम टेम्परेचर पर हों। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक विस्क की मदद से कर लें, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। चीनी तो वैसे भी हमने पीसी हुई ऐड की है, तो वो हमें डिज़ोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको एक अच्छे सा जो है ना मिक्स देना है, ताकि ये एक स्मूथ सा जो मिक्सचर है वो हमारा बन जाए। ठीक है, तो यहाँ जी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस, इसको ऐड करेंगे और एक लाइट सा बस इसको मिक्स करेंगे, और फिर हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वेट इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर जो है तैयार है। तो अब आ जाते हैं जी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे हम एक सेपरेट बाउल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम मैदा, 1 कप मैदा लेना है, लेकिन आपने इसको सिफ्ट करना है। ठीक है, जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे हम उनको सिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक छन्नी ले लें, कोई भी सिफ्टर ले लें, उसमें आप ऐड करें ये चीज़ें। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 कप मैदा ऐड किया है, और 1/2 कप मैंने कोकोआ पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर, और 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। ठीक है जी, ये चारों चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है, और अच्छे से इसको हमने सिफ्ट कर लेना है। जब ये अच्छे से सिफ्ट हो जाए, तो फिर आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमारा ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर भी तैयार हो गया है। कोशिश करें कि जब भी आप बेकिंग स्टार्ट करें तो आप ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले ही जो है अपने तैयार करके रख लें, बाकी के जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप मिक्स करें, और साथ ही आप इनको इसमें ऐड कर दें। बस जब हमने अपने ये वेट इंग्रेडिएंट्स वाला मिक्सचर लेना है, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। अब एक स्पैचुला लेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड के मेथड से, और अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ठीक है, तो ये एक मिक्स करते हुए एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये कपकेक्स का बैटर जो है वो तैयार है। यहाँ पे जब हमने ली है एक बेकिंग ट्रे, और इसमें मैंने ये रखे हैं सिलिकॉन के कपकेक मोल्ड्स, ये मुझे बहुत पसंद है, और इसमें कपकेक्स बहुत अच्छे बेक होते हैं कम टाइम में, और बहुत ही परफेक्ट। तो आप भी जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, करना कुछ भी नहीं है आपने। सिंपल आपने इसमें कपकेक लाइनर्स को इस तरीके से प्लेस कर देना है, और अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना कपकेक्स का बैटर। तो यहाँ पे जी हमने केक का बैटर ऐड करना है, तो आपने इसको फुल नहीं करना है, आपने इसको 3/4 तक फिल करना है। ठीक है, ताकि थोड़ी सी जगह जो है ना आपने ऊपर से खाली छोड़ देनी है, क्योंकि ये बेक होने के बाद ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ जी हमारे सब कपकेक्स जो हैं वो हमने फिल कर लिए हैं, अब ये बेक करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पे एक पतीला ले लिया है, और इसको 15-20 मिनट के लिए मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसमें रख देंगे हम एक स्टैंड, और आपने कोशिश करनी है आपके पास वो वाला स्टैंड हो जो बिल्कुल मिड में आए। ठीक है, ज़्यादा नीचे भी ना हो, ज़्यादा ऊँचा भी ना हो, इस तरह ये होता है कि हीट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और बहुत अच्छी बेकिंग होती है। यहाँ पर मैंने स्टैंड जो है उसके अंदर रखा है, और इसमें ये कपकेक्स वाला जो ट्रे है मैंने इसमें रख दी है। आप इसको जी कवर कर देंगे, और इसको हम लो फ्लेम पर बेक करेंगे। तो आपको मैं यहाँ फ्लेम भी दिखा दूँ, तो ये देखें बिल्कुल दम वाली आँच आपने नहीं रखनी है, थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, ताकि जो आँच के किनारे हैं वो आपके पतीले को टच करें। ठीक है, तो इतनी आपने आँच पर इसको बेक करना है, और 15-20 मिनट या 20-25 मिनट के लिए आपने इसको इसी आँच पर जो है बेक करना है। ठीक है, और प्री हीट आपने लास्ट में करना है, ठंडे पतीले में आपने अपने कपकेक्स नहीं रखने। तो यहाँ जी एग्जैक्ट 20 मिनट्स के बाद हम अपने कपकेक्स चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी कितने ज़बरदस्त और परफेक्ट बेक हुए हैं। यहाँ पे इसको टेस्टर की मदद से टेस्ट करके देख लें, तो आप ये देखें पिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आप भी कोई भी टूथपिक या कोई भी पिन जो है उसके साथ इंसर्ट करके आप चेक कर लें। तो हमारे कपकेक्स यहाँ बिल्कुल तैयार हैं, इनको आप निकाल लेते हैं, और इसको हम रखेंगे ठंडा होने के लिए। इस मिक्सचर के साथ आप 12 से 13 कपकेक्स जो हैं वो इजीली तैयार कर सकते हैं। मैंने दूसरे पतीले में भी ये बाकी के 5 जो हैं बेक कर लिए थे,
अब जी हम इनको रखेंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, और आप इनको सिलिकॉन मोल्ड से फ़ौरन भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये चिपकता तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको इजीली निकाल के ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो ये देखें जी कितने ज़बरदस्त हमारे कपकेक्स तैयार हुए हैं। जितनी देर में ठंडे होंगे हम उतनी देर में अब बनाएंगे अब इसकी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। तो यहाँ जी सबसे पहले हम ले लेंगे कुकिंग चॉकलेट। मैंने यहाँ मिल्क चॉकलेट ली है, आप डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। हमें तकरीबन 1 कप चॉकलेट चाहिए, तो यहाँ पे चॉकलेट को हम छोटे छोटे चंक्स में काट लेंगे। अगर ग्राम से मैं देखें तो ये 170 ग्राम्स है, ठीक है। इसे काट के हम एक साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ पर जी हमने लेना है एक पैन में 1 कप व्हिपिंग क्रीम, ठीक है। क्रीम को हमने गर्म करना है, फ्लेम ऑन करना है, और इतना गर्म करना है कि ये साइड से जो है ना बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए, लेकिन इसको आपने सारा बॉयल नहीं करना, बस अच्छे से ही आपने इसको गर्म करना है। आप देख लें साइड पर इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, साथ साथ आप इसको मिक्स करें ताकि अच्छे से ये सारी क्रीम जो है वो गर्म हो जाए। तो यहाँ पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब एक बॉल में हम वो चॉकलेट ऐड करेंगे जो हमने काट के रखी हुई है, और इसके ऊपर ये गरम गरम क्रीम हम डाल देंगे और 30 सेकंड का रेस्ट देंगे ताकि जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके अंदर, ठीक है। आपने इसको छेड़ना नहीं है, अच्छी तरीके से आपने चॉकलेट को इसमें डिप कर देना है और 30 सेकंड तक आपने इसको डिप रहने देना है। तो यहाँ 30 सेकंड्स के बाद आपने इसको अब अच्छे से मिक्स करना है। एक स्पैचुला लें और उसके साथ आप इसको मिक्स करें, और इतना मिक्स करें कि इसमें कोई भी चॉकलेट के लम्ब्स ना रहें, ये एक जैसी बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर इसमें ज़रा से भी लम्ब्स रह गए तो ये आपको बाद में फ्रॉस्टिंग के टाइम पे बहुत तंग करेंगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। तो आप ये देखें कितनी अच्छी से मिक्स हो गई है। अब हमने इसको रेस्ट देना है फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए। तो यहाँ जी 1 घंटे के बाद हमने चॉकलेट को निकाल लिया है, तो आप देखें कितनी ज़बरदस्त सी चिल और ठंडी है। अब हमने क्या करना है, अपने हमें इसको बीट करना है, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक बीटर से कर लें या मैनुअल बीटर से कर लें, इसमें ज़रा थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है बीट करने में, तो मैं ज़रा बाउल चेंज कर लूँगी। तो यहाँ देखें जी इसको आपने इतना बीट करना है कि इसमें स्टिफ पीक्स बन जाएँ, ठीक है। क्रीम में फ्लो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर आप बॉल को उल्टा करके देखें तो क्रीम बिल्कुल वहीं की वहीं रहे, इतना आपने इसको बीट कर लेना है। तो यहाँ देखें सर कलर बिल्कुल चेंज हो गया और ये बहुत अच्छे से बीट हो गई है। तो हमारी ये चॉकलेट फ्रॉस्टिंग तैयार है, बस इसको अब हम पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे और अब इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। और ये देखें आप इस तरीके से आपने इसको कपकेक्स पर इसको डेकोरेट कर लेना है क्रीम के साथ। तो बस जी आपने इसी तरीके से कपकेक्स बनाने हैं और इस तरीके से आपने इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेनी है और अपने कपकेक को डेकोरेट कर लेना। तो यहाँ जी मैंने इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी ऐड किए हैं, आप भी अपनी मर्जी से कोई भी स्प्रिंकल इस पर ऐड करके इसको डेकोरेट कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे कपकेक्स बहुत ही मज़े के, बहुत ही यम्मी डिलीशियस तैयार हुए हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।